और आपको हरा देगा। बोला क्या? राजा के दरबार में जब बात गया, राजा पूरा एकदम क्रोधित हो गया, ऐसा कैसे कर सकता है ये बच्चा। बोले कितने साल का आदमी? बोले 12 साल का लड़का। बोले उसका माथा खराब हो गया। तो रानी भी वहां बैठा था, और रानी जो था वो बोला, राजा रानी मजाक चल रहा था, तो रानी बोला कि अब लगता है मेरे को कि आपका जो कोलाहल उसका बहुत है बड़ा जो घमंड हो गया है, उसको कोई चूर चूर करने वाला आ गया। तो राजा बोला तुम पागल हो गए क्या? हमारा कोलाहल का कितना ज्ञान तुमको पता है? IIT रैंक वन और सब कुछ उसके पास, समझ रहे, गेट रैंक वन और क्या क्या एग्जाम होता है, समझ, सब टॉपर है वो हमारा, समझ रहे। फूक देगा तो तुम्हारा बचवा उड़ जाएगा, बड़ा बड़ा स्कॉलर, बड़ा बड़ा यू नो, इसके सामने टिक नहीं पाता, और ये बचवा क्या करेगा। बोले मैं बोल रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास लग रहा है कि ये बच्चा जरूर इसको हरा देगा, और नहीं हराया तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी। तो ऐसा बोलता तो राजा बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा बात बोल दी, दासी का दासी बन जाएगी। तो राजा बोला लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कोलाहल हरा देगा, और नहीं हरा पाया कोलाहल तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। ये बात पूरा फेमस हो गया, बड़ा बात हो गया, समझ रहे। इधर बुलाने के लिए बोल, उसको इतना दम तो बोलो आएगा डिबेट करने के लिए, उसको हम डिबेट के लिए बुलाते हैं, शास्त्रार्थ होगा। तो लोग गया कि चलो शास्त्रार्थ होगा, तुमको तो आज चटनी बनाया जाएगा। बोला हमारा किसके साथ शास्त्रार्थ होगा? बोला कोलाहल के साथ, समझ रहे, तुम्हारा हलाहल कर देगा, समझ रहे। कोलाहल के साथ तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा एकदम, बोला वो कौन है कोलाहल? बोला अरे वो तो समझ रहे हैं हमारा राजपुरोहित, एकदम सबसे बड़े स्कॉलर राजपंडित। बोले राजपंडित जी के साथ मेरा क्या होगा? मेरा उनके साथ शास्त्रार्थ होगा। इतने बड़े राजपंडित के साथ शास्त्रार्थ होगा, और मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं क्या ऐसे जाऊंगा क्या? मेरे लिए एटलीस्ट स्पेशल राजा का स्पेशल क्या होना चाहिए, सवारी अरेंज किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको जब एक बार केमिस्ट्री वाला पैट के लिए बुलाएगा तो टिकट वगैरह देता है, समझ रहे, आपको ट्रैवलिंग का, पुणे जाने का टिकट देगा, आने का जाने का है जो भी है, बिकॉज आपको बुला रहा है, समझ रहे। तो वैसे ही आप हमको बुला रहे हैं, मतलब वो भी राज पंडित से डिबेट करें तो हमको, समझ रहे, राजा का रथ आना चाहिए हमको लेने के लिए। ये बात जब पहुंचा तो राजा कोलाहल बोला बहुत उद्दंड बालक है, क्या है, बहुत उद्दंड बालक है। रानी बोला अब मुझे पूरा कन्विंस हो गई हूँ कि अब कोहाल का जो इतना सालों का भरा हुआ प्राइड का जो रुई है सब जला के राख कर देंगे बचपन। राजा बोला ये संभव नहीं है। तो यानी उसके लिए चैरिट भेजा गया, हमारे समझ रहे यमुनाचार्य पूरा उत्तरी डाल गए थे, समझ रहे, कहाँ पर आ गए तब डिबेट करने। और फिर उसके बाद और कोलाहल तो पूरा प्राउड में था, उसको तो हम बच्चा आज बताएंगे। बोला अरे बचवा अभी हार मान लो, नहीं तो तुम्हारा पूरा चटनी हो जाएगा, दूध भात हो तुम्हारा। बच्चा बोला देखो, समझ रहे, जो गरजते है वो बरसते नहीं, बात करो, समझ रहे। बोले तुमको तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हरा देंगे, क्वेश्चन पूछा एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाला, समझ, इरोडोक्स का बाप, समझ रहे। लेकिन वो ऐसे सिंपल सॉल्यूशन दे दिया उसका, समझ रहे, बिना कोई पेपर पेन के, ऐसे करके वो अपना लेवल बढ़ाते गया, समझ रहे, कौन रॉन्ग, क्या क्या बड़ा बड़ा बुक्स है, ऐसा वो कहा जो कोई सॉल्यूशन नहीं सुना था, कोई ये समझ ही नहीं ऐसा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2-2 मिनट का क्वेश्चन, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, और हमारे यमुना चाहे उसको ऐसे ही, समझ रहे, जैसे यॉर्कर फेंक रहा है और क्या बोलते हैं उसको, और उसमें ऐसे उल्टा हाथ से वो क्या कर दे रहा है, तो बेचारा कोटनी वास और सब बोल्ड, क्या भाई क्या चल रहा है, हम लोग इतना ही तेज फेंक रहे थे एकदम, तो एकदम इतना आसानी से आंसर करने लगा। इधर कोलाहल का माथा गर्म होने लगा कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे फिर भी तुरंत आंसर।
तो बेचारा और कॉम्प्लिकेट पूछने लगा। तब तक यमराज साहब हंसने लगे, बोल रहे कि आपके पास प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहे। बोला कि तो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन पूछने लगा लेकिन सब तो आंसर फटाक से। बोला आपका हमको बच्चा समझ नहीं है, आपको क्या लगता है कि बुद्धि आदमी का जो बुद्धि है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हिज एज, क्या साइज के अनुसार प्रोपोर्शनल होता है क्या बुद्धि प्रोपोर्शनल टू एज साइज? अगर ऐसा ही है, अगर आप ऐसा ही मानते इसलिए सिंपल पूछ रहे, तब तो फिर जो क्या बोलते हैं भैंस है उसका बुद्धि आपसे ज्यादा है। और सब ताली मार रहे क्या बोला क्या बोला पूरा एकदम। रानी पूरा बोलिए तो आज तो आपका इसका कुलाहल का क्या होगा हरी बोल। और कुलाहल पूरा थक गया पूरा आधा घंटा एक घंटा, सब लोग एकदम चकित हो रखे बाप रे कोई बच्चा है कि कौन है, और वो हरा नहीं पा रहा। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला ठीक तुम पूछो। वो तो पूछ के थक गया लेकिन सब आंसर फटाफट। बोला हम केवल एक तो क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आंसर दे देता आप जीत जाएंगे। ये 1000 क्वेश्चन पूछा सब धड़ धड़ दे दिया, बोले एक तो पूछे उसको कर दी तो हो जाएगा बस आप जीत। पूछो तुम हम सब आंसर दे देंगे। बोला आपको मेरा एक स्टेटमेंट को नकारना है। बोला हाँ हम नकारेगा। बोला क्या करना बोलो। बोला आपको ना डिफीट करना है स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट है? तो उन्होंने सबके सामने स्टेटमेंट बोला कि कोलाहल की जो माँ है वो बांझ नहीं है। वो क्या है? बांझ नहीं। इसको डिफीट करना है, मतलब क्या प्रूव करना है? कोलाहल की माँ बांझ है। कोलाहल कैसे प्रूव करें? वो तो सामने खड़ा है। समझ रहे? इफ कोलाहल इज देयर हाउ कैन हिज माँ बी बांझ? कोलाहल बोला बाप रे भाई ऐसा क्वेश्चन तो जीवन में नहीं सुन, रॉन्ग क्वेश्चन। क्या है? ऑप्शन ही नहीं है इसका, तो कोई आउट ऑफ सिलेबस। समझ रहे? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस। बोले गलत उल्टा पुल्टा बात कर, देख रहा देख 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 रहे आप देख रहे कैसे बात कर क्या। समझ रहे? और भाई यमुना सर पीसफुल, और सब लोग बोला हार गया हार गया हार गया हार गया सब लोग। अब तक तक ग्रुप बन गया था, कुछ लोग यमुना चल ग्रुप हो गया था कुछ लोग। और रानी बोला आप तो हार गए बट हम क्या करें, स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि सही होगा गलत, तुमको डिस्प्रूव करा था तुम बोला था तुम नहीं कर पाए। वो बोला इसको फांसी में सजा, ये उल्टा पुल्टा घुमा रहा इधर। हाँ मैं ठीक है ठीक कोई बात नहीं, दूसरा स्टेटमेंट दे दो उसी को, आप अगर डिफीट कर देंगे तो आप जीत जाएंगे। बोला हाँ ठीक दूसरा स्टेटमेंट। बोला राजा जो है हमारा बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है, आपको क्या करना है इसको डिफीट करना। बोले कैसे हो गया ये सब धोखाबाजी कर रहा है क्या कर रहा है इसको, राजा हमारा पुण्यवान नहीं है ऐसा बोलना चाह रहा है, इसको गोली उड़ा देना ऐसी। और तब तक लोग बोला नहीं तो हार गया हार गया, मतलब झगड़ा वगड़ा होने लगा। बोला इसको गला काट देना चाहिए। बोला फिर बोला ठीक है ठीक एक और स्टेटमेंट मौका देते उसको भी करेंगे तो हम हार जाएंगे। बोले क्या? जो रानी है हमारी महारानी जी वो पतिव्रता स्त्री है, इसको रिफ्यूट करना है। पागल कैसा कैसा दिखे यही यही देख रहे हैं इसका, पागल कैसा कैसा बात करता है कैसा कैसा मतलब। बोले इसको फांसी में चढ़ा दिया जाए। रानी बोले नहीं तो ये तो हार गया, अब इसको क्या बोलते हैं यमुनाचार्य जीत गए। बोले नहीं ऐसे कैसे हो गया? तो बहुत झगड़ा होने लगा, फिर सब लोग चिल्लाने लगा युद्ध हो गया। वो बोले नहीं टेंशन मैं सबको डिसप्रूव करूँगा। बोला कैसे? तुम करो करके दिखाओ तुम दिखाओ। बोले देखिए कोलाहल की माँ क्या है? बांझ नहीं, इसको रिप्यूट करना था। बोले देखिए कोलाहल तो बहुत अच्छा लड़का है, कोलाहल बहुत अच्छा बेटा है अपना माँ का, लेकिन मनु संहिता के अनुसार कोलाहल जो है वो अपनी माँ का एक अलौता बेटा है। क्या है उसका और कोई बेटा संतान? तो मनु संहिता के अनुसार अगर कोई माँ को केवल एक ही संतान है तो बांझ के समान ही। अकॉर्डिंग टू मनु संहिता इफ अ वुमन ओनली हैज वन सन वन चाइल्ड देन शी इज ऑलमोस्ट लाइक बैरन। तो सब लोग ताली मारने वाले वाह क्या बोला क्या बोला, प्रूव हो गया कि उसकी माँ। बोला ओ ठीक है लेकिन राजा कैसे पुण्यवान नहीं?
बोले हम तो बोले रहे राजा पुण्यवान है। राजा क्या है, हमारे राजा इतने पुण्यवान है, इतना मतलब सेल्फलेस है, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, पूरे समाज का बहुत अच्छे से ख्याल रख रखे। लेकिन मनु संहिता में दिया हुआ है शास्त्र में कि राजा को अपनी प्रजा का, जो प्रजा होती है वो अच्छा करेगी तो 1/6 कर्मा मिलता है उसका, और बुरा करती तो भी उसका, मतलब आप जहां पर भी लीडर है आपके लोग अच्छा करेंगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा, और आपके लोग पाप करेंगे तो आपको भी थोड़ा फल मिलेगा। जैसे माँ बाप का बच्चा अगर कोई अच्छा करता है तो उनको भी थोड़ा उसका रिएक्शन, तो स्पेशली राजा के लिए 1/6 क्या मिलता है उसको रिएक्शन, तो आदमी दारू पिया उसके राज्य में तो उसको भी क्या लगेगा उसका 1/6 रिएक्शन मिलेगा। तो राजा को बहुत सतर्क होना चाहिए, जो भी लीडर है उसको बहुत, उसके राज्य में गलत होगा तो उसको भी उसका फल, और उसको चाहना चाहिए अपने राज्य में लोगों को ट्रेन करे, अच्छा काम करवाए, ताकि फिर उससे उसको भी फायदा। आजकल चूंकि लोगों को सब ज्ञान नहीं है, लोग कुछ भी करता है, बाद में क्या होता है उसको बहुत हैवी रिएक्शन। So, इंटेलिजेंस बहुत है लोग आजकल, लेकिन बुद्धि नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं। जैसे कॉलेज में सिखाया जा रहा गाय कैसे काटा जाए, कल मेरे को ड्यूटी बताया कि उनका बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है कैसे, बाप रे बाप ऐसा ऐसा चीज समझ रहे। तो वो बुद्धि सीख रहा है, क्या सीख रहा है, ज्ञान, उसको इंटेलिजेंस सिखाया जा रहा है कैसे गाय को इंटेलिजेंट नहीं काटा जाए, बट इट्स यू नो सच अ ग्रॉस सिंफुल एक्ट, समझ रहे। गाय को मारने से शास्त्र में दिया हुआ है जितने गाय में शरीर में वो होते हैं हेयर, उतने जन्म तक उसको सजा मिलता है, बट आजकल के लोगों को कोई ज्ञान नहीं। कुछ दिन पहले मैं एक बिल्डिंग में गया था तो डिवोटी थे वो, तो पहले हम लोग जब मैच चालू कर रहे थे तो पहले बात हुआ था, उनसे पूछा था पूजी इधर कोई लड़की तो नहीं आती, बोले नहीं पूजी लड़की बैन कर रखा हम लोग, सिर्फ लड़का लोग अलावा। तो मैं जब गया उसी दिन उनका फ्लैट में मैं बैठा था, मैं बोल पूजी मैं फ्लैट में चली, तो फ्लैट में चला गया तो देखा दो लड़की जा रहा था, लड़की इधर लड़की लाओ लेके, नहीं समझ रहे। लेकिन दूठो लड़का क्या किया समझ रहे, उनको अपने फ्रेंड्स को ले आया समझ रहे, और फिर बहुत एक्सक्यूज देने लगा, ये वो ये हो गया वो हो गया। सो तो आजकल का लड़का लोग लड़की लोग को ज्ञान नहीं है क्या सही है क्या गलत है, कैसे केयरफुल रहना चाहिए। एक बार जब हम लोग सीताराम मंडल के फ्लैट में रहते थे पार्क के सामने, तो बहुत लोग हो गए थे, तो हम लोग बगल में दूसरा एक बिल्डिंग में भी फ्लैट लिए थे ऊपर। तो एक दिन मैं ऊपर भक्तों को देखने गया कैसा चल रहा है नहीं चल रहा, फिर मैं नीचे आया देखा दारू का बोतल रखा था नीचे का, बगल में मिठाई का दुकान था और फर्स्ट फ्लोर में CGIT इंस्टीट्यूट था, और नीचे एक और रूम था उसमें बाहर का बच्चा मतलब HIT के साथ बच्चा रहता था, लेकिन हम लोग का वॉइस का नहीं था। तो मैं देख के समझ गया ये लोग कुछ तो गड़बड़ करता है। तब तक मेरे स्टूडेंट लोग आए बोले भाजी ये लोग क्या करते हैं दारू वारू, हम समझाए लोग को, लेकिन लोग लड़का लोग अभी हीरो बन रहा है। तो बोले हीरो तो बन रहा है, बाद में जीरो ही बनेगा समझ रहे। फिर कल एक आदमी पता चला दारू पी के साइकिल चला रहा था, तो ऐसा गलत तरीके चलाया था बेचारा, बाइक वाला चलाया था वो रास्ते में बीच में आ गया और एक्सीडेंट हो गया और साइकिल वाला मर गया। पी के चलाएगा तो कैसे, मतलब कहाँ चलाना उसको पता नहीं, रॉन्ग साइड चलाएगा लेफ्ट समझ, हॉर्न मार रहा है सुनेगा नहीं, मतलब अब रोड में आप रॉन्ग साइड चलाओगे और फॉगी डे, अब बाइक आएगा तो मान लीजिए अब वही डायरेक्शन से चला रहा गलत जगह पर साइकिल, तो क्या होगा। तो इस प्रकार से
मेनी टाइम देयर इज नो एजुकेशन इन सोसाइटी। तो मैं एक दिन, उनके ओनर आए थे, वो बाहर कहीं रहते थे दूसरी जगह, शायद टाउनशिप या कहीं रहते थे दुर्गा से, तो आए थे उधर। तो मैं उनको देखा, तो मैं उनको बोला कि प्रभु जी आपके बिल्डिंग में कुछ बच्चे लोग रह रहे हैं। बोला हाँ हाँ पता है मुझे। बोला मेरे को लग रहा है शायद वो लोग इंटॉक्सिकेशन लेते हैं। तो बोला हाँ, तो वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे इस स्कूल के, उनको मेरे को लगा कि पहले से ही पता था। बोला हाँ हाँ हाँ, मैं बोला लड़की उड़की भी लाते शायद, तो दारू भी पीते थे। मतलब मैं बताना चाहूँ उनको, बोले अभी तो उम्र है अभी तो। बोले बाप रे बाप, ये आदमी कितना, मतलब मैं थोड़ा बगल में थे, मैं नीचे था, तो मैं उनको बोला समझा कि भाई ऐसा गलत हो रहा आपका बिल्डिंग, आपके लिए अच्छा है। लेकिन वो बोले, उनको शायद पैसे का लोभ आ गया, क्या शायद छोटा शोरूम बहुत लड़का घुसा दिए थे और शायद पैसा देता होगा लोग ज़्यादा, तो पैसे के लोभ से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो इससे उनको भी इफेक्ट। मैं समझा जाए, मैं देखा लेकिन समझने के मूड में नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। मेरे को समझ में आ गया इनका हरी बोल होने वाला। और ठीक दो चार महीना बाद एक बार मेरे स्टूडेंट लोग आया, बोले प्रभु जी पता है क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, आईसीयू में उसकी वाइफ, क्या हो गया भाई, वो नीचे बकान में गई थी तब तक उसको मधुमक्खी अटैक कर दिया, और मधुमक्खी अटैक करता है कभी कभी ना, और ऐसा अटैक किया पूरा उसका पीठ वाला एरिया पूरा एकदम ए टू जेड खत्म कर दिया। आप लोग से ना सर वॉइस में कभी इंसिडेंट हुआ था, और हमारे ड्यूटी से मिलने ले गए एकदम, और उसके पास सोचिए करोड़ों रुपया होगा, उसका बेटा लोग भी बहुत कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, और वाइफ पूरा क्या हो गया एकदम आईसीयू में थे, ऑलमोस्ट लाइक अबाउट टू डाई, और मतलब जेगी भी तो पूरा पूरा पीठ उसका जा चुका था। तो इतना पैसा होकर सुखी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो बहुत बार कर्म को बोलते अदृश्य, क्या बोलते हैं, अदृश्य, दिखते नहीं, लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु होता उसको दिख जाता। मेरे को पहले दिन दिख गया कि ये अपने बिल्डिंग में अलाव कर रहा है गड़बड़, मतलब इनके साथ क्या होने वाला है गड़बड़। तो राजा गेट्स 1/6 ऑफ द रिएक्शन। तो कोलाहल को यमुनाचार्य बताए, लेकिन हमारे राजा तो प्योर है, वो तो कोई भी पाप, लेकिन हमारा राज्य में कुछ लोग पी लेता है छुप छुपा के, जो बिहार में दारू बंद होने के बाद भी, समझ रहे, होम डिलीवरी। तो वैसे बोले राज्य में कुछ लोग क्या करता, थोड़ा पाप करता है, तो चूंकि राजा को कुछ रिएक्शन आता है 1/6, तो इसलिए राजा क्या हुए पुण्यवान, और पूरा ताली बजने लगा, क्या बोला एकदम प्रूफ कर दे, हाँ ही बोल, बोला ओ ठीक है, लेकिन रानी वाला कैसे हो गया, रानी पतिव्रता कैसे थी? बोला रानी तो पूरी पतिव्रता है, कौन बोला पतिव्रता नहीं, लेकिन राजा के शरीर में बोला गया है सभी देवताओं का निवास होता है, समझ रहे। और चूंकि रानी राजा से संग करती है, तो उसके शरीर में बहुत सारे देवता है, तो उनके साथ भी संग हुआ, समझ, इसलिए वो क्या हुआ पतिव्रता, और पूरा ताली बजने लगा, वाह वाह क्या गजब गजब, समझ रहे। और फिर एकदम आधा किंगडम किसको मिल गया, समझ रहे। और यमुनाचार्य तब तक आसपास का जो किंगडम वाला तो सोचा कि बचवा है ये राजा बन गया, इसको हरा के हम लोग राज्य छीन लेते, तो वो लोग भी आक्रमण कर दिया, और सब सोचा बच्चा क्या करेगा, लेकिन रमना से इतना स्मार्ट थे, तुरंत उन्होंने आर्मी को कमांड वमांड दे के एकदम सबको ट्रेन करके क्या किया, अटैक करके उन लोगों को भी हरा दिए, समझ रहे, वो क्या बन गया एकदम। अब वो बड़े आदमी हो गए, राजा हो गए, समझ रहे, रानी हो गया उनका, बहुत कुछ हो गया धीरे धीरे। तो उनके जो दादाजी थे उनका नाम था नाथ मुनि, तो उनका बड़ा इच्छा था कि भक्त बने, उनको बचपन से दे रहे थे भगवत्ता क्लास क्लास, लेकिन जैसे वो राजा बना अब उसका क्लास भगवत्ता बंद हो गया, समझ रहे। अब गीता को लाल कपड़ा में पैक करके रख दिया निशानी के रूप में, अब टाइम किसके पास, पढ़ना चाहता था उसका बहुत अच्छा शौक था, बहुत अच्छा डिवोटी था, मतलब वॉइस ट्रेंड था, लेकिन समझ रहे
लेकिन एक बार बेचारा पास आउट हुआ तो फिर अब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कहाँ गीता पढ़ने, समझ रहे, अब उसको इतना सारा काम करवाना था, ये काम करना, वो काम करना, इधर जीतना, उधर प्रॉब्लम, जासूस को बहुत सारा प्रॉब्लम, राजा को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतना बिजी रहने लगा और उसको कोई मिल नहीं सकता था, उसको कोई क्लास देने जा ही नहीं सकता था, मिलने अलाउड नहीं था, इतना बिजी आदमी। तो नाथ मुनि मरते दम तक ट्राई कर रहे थे कि उसको भक्त बना दे, लेकिन वो इतना बिजी हो गया और यंग एज पे था, तो जब वो मर रहे थे तो अपने एक शिष्य, समझ रहे, राम मूर्ति जो थे, उसको बोले कि बेटा तुम मेरा एक इच्छा पूरा करें, बोले हाँ बोलिए गुरु जी, बोला मेरा जो पोता है, समझ रहे, यमुना, वो पूरा राज्य भार में सब बिजी हो गया है और भक्ति को एकदम भूल गया है, तो किसी प्रकार तुम उसको क्या करना, भक्ति भक्त बना देना। बोले ठीक है गुरु जी। तो बेचारा जाता था लेकिन राजाओं के महल में अलाउड था नहीं, राजा से मिलना मतलब कैन यू इमेजिन, वेरी डिफिकल्ट, राजा इज वेरी बिजी पर्सन, तो वो ट्राई किया लेकिन वो नहीं। तो वो क्या किए राममूर्ति, रोज राजा के कुक को जाके थोड़ा साथ दे के आते थे, विशेष तरह का बोलते थे इसको तुम राजा को खिला देना, राजा को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। बोले कि आप पैसा कुछ इसका केयर कर रहे हैं, बोले नहीं ये मेरी तरफ से सेवा है, राजा इतनी सेवा कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा इसलिए मैं ऐसे ही देता। तो ले लिया, बना दिया और बहुत अच्छे से, मतलब उसका पटेज भी बहुत अच्छा था, तो खाने से उसको राजा को बहुत अच्छा लगता था, तो राजा रोज खाने लगा थोड़ा थोड़ा। एक बार एक दो महीने बाद राममूर्ति एक दिन नहीं देखे ऐसा, तो उस दिन जब पड़ोस बोले साग कहाँ गया जो रोज देता, बोले एक आदमी आके देता था वो आज नहीं आया। बोले कौन आदमी आके देता था, बोले एक आदमी आता था, बोलता था राजा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा तो उनको खिलाओ। बोले पैसा कितना लेता था, बोले पैसा नहीं लेता सेवा के रूप में देता। बोले अच्छा अगले बार कभी आया तो मिलाना, तो कि भाई मेरा स्वास्थ्य के बारे में इतना चिंता है उसको, मतलब। तो अगले दिन फिर वो लेके गए, तो बोले राजा जी आपको खोज रहे, तो खोज रहा था राजा इतराज भाई से सालों से ट्राई कर रहा था, आज वो दिन आ गया, हाँ ठीक है मिल लेंगे। और राजा, राजा बहुत खुश हो गए, बोले भाई आप इतना मैं से, मतलब सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, आई एम वेरी टच्ड बाय योर हार्ट, मतलब इस दुनिया में सेल्फलेस सर्विस इज अ ग्रेट पोटेंसी टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ अदर। सेल्फलेस सर्विस कोई करता है ना तो दूसरा आदमी पूरा पिघल जाता है, कैसा सेवा कर रहा है बेचारा, वो सेल्फलेस सर्विस, भाई उसको कुछ नहीं चाहिए। तो यह देख के राजा बहुत उससे पर्सनली, राजा किसी से मिलता है पर्सनली, सेल्फलेस सेवा देके राजा उससे मिलने के लिए रेडी, और साधु को देखे तो प्रणाम वणाम किए और बोले थैंक यू आप मेरे लिए इतना सेवा कर रहे हैं। तो वो बताया कि मैं आपके दादाजी का शिष्य हूँ। आओ अरे बाप रे बाप, तो और प्रणाम किया, कह रहे वाह बहुत अच्छा बात है। बोले मैं आपसे मिलना चाह रहा था मैं भी, लेकिन मिल नहीं पाया था, दादाजी ने खजाना दिया था आपको देने के लिए। बोला हाँ खजाना, अरे बाप हम तो खोज रहे थे पैसा, हम सोच रहा था दूसरा राज्य में आक्रमण करना है लेकिन पैसे नहीं है कैसे करेंगे, थैंक यू जल्दी दिला दीजिए। बोले कि लेकिन खजाना जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं दूर पे, बहुत सिक्योर जगह पे रखा हुआ, सात दरवाजा से जाना पड़ेगा, लॉक किया हुआ एकदम, समझ रहे, सांप के द्वारा प्रोटेक्टेड, दो नदियों के बीच में एकदम। बोला हाँ जो भी चलना होगा, बोले चलो ना आप लेके आते, बोले उसके लिए आपको अकेला जाना पड़ेगा, बोले ठीक है अकेला चलेंगे। तो रेडी हो गया, बोला ठीक है हम लोग रथ मंगवाया चली, और वो लोग कैसे लेने के लिए चला गया, तो ड्राइवर चला रहा था, वो लोग दोनों बैठा था, तब तक वो क्या किए उनको गीता का श्लोक चलाना चालू, समझ रहे, और जब गीता का श्लोक चालू कर दिए सुनाना, मनुष्यानां सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तां पि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः,
भूमि अपो नलवायो खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अप्रयम तस्त्व अन्यम प्रकृति। इस प्रकार से बोलने लगे समझ रहे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम। श्लोक बाय श्लोक बोलने लगे। और जब भगवान के गुणों को सुनने लगे तो उनका आंख से जब आंसू, समझ रहे, मृत्यु संसार सागरा। इस प्रकार सुनने लगे कि भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे में मन लगाएगा उसको मृत्यु संसार सागर से स्वयं बाहर निकाल के ले जाऊंगा। सुनते सुनते उनको पुराना भक्ति जागृत हो गया। उनको याद आने लगा भगवान को सर्वधर्मान पर इत्यज मामेकम शरणम भजाम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षसामि मासुच। उन्होंने थोड़ा देर आधा एक घंटा पूरा गीता सुन लो, रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बने, लगा कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया ऐसे पैसे के पीछे, राजा के पीछे, हाय रे हाय, मैंने मनुष्य जीवन पा के भी क्या किया उसको बर्बाद। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, मनुष्य जन्म रोने लगे, कह रहे मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे राज दरबार में अपने सब भक्ति को भूल गया। अब एकदम क्या हो गया, मैंने सिर्फ पैसे में, धन में, स्त्रियों में जीवन बिता दिया। बोले मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे खजाना अब। बट राम मिश्रा ने बोला नहीं नहीं मेरा ड्यूटी आपको देना, आप मत लीजिए, वो आपका कर्तव्य, मेरा काम आपको। बोले मुझे नहीं चाहिए, सब बेकार है, सब दुनिया का खजाना सब क्या है। बोले नहीं नहीं मेरे को तो आपको देना पड़ेगा। बोले मुझे जाना ही नहीं, हम भगवान का भक्ति करेंगे, हम जंगल चले जाएंगे, हम क्या चीज़ फंस गए थे। हमको फिर से भक्ति याद आने लगी बचपन की। बोले नहीं ना, आप पहले खजाना ले लीजिए, उसके बाद आपको जो करना कीजिए। बोले हमको जाना ही नहीं। बोले नहीं ना, आप क्या मेरा ड्यूटी आपको देता हूँ, फिर आपको जिसको बांट दीजिएगा, जो करना है भिखारी में आप देख लीजिए। समा उसको ले गए कावेरी नदी के बीच में, समझे सिरंगम में, सात दीवार है उसके बीच से ले जाते रंगनाथ जी का मंदिर में। और सांप के द्वारा क्या था, वो खजाना रक्षित था अनंत शेष के नीचे। जब बोले ये रहा खजाना, जब दरवाजा खोले तो देखे अनंत शेष के नीचे कौन लेटे हुए थे, श्री रंगनाथ जी भगवान की। तो भगवान रंगनाथ जी का दर्शन जब किए वो नाचार्य जी एकदम, तो फिर पूरा हरी बोल बोल यही रियल खजाना है आपका, जो कौन दिया आपको आपके दाया जी। और फिर वो सब कुछ छोड़ के क्या बन गए, भक्त बन गए। और उन्होंने बहुत लाखों लोगों को भक्त बनाया, पूरा सुंदर सुंदर स्रोत लिखे। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य एक श्लोक में लिखते हैं भगवान की महिमा को याद करते हुए कि जब तक मैंने भगवान की भक्ति नहीं की तब तक मेरा हमेशा मन क्या था, अशांत रहा। जब तक मेरा मन क्या रहा, हमेशा। लेकिन जब से मैं कृष्ण की भक्ति कर लिया तब से मैं अनाथ से क्या बन गया, सनाथ बन गया। उससे पहले मैं क्या था, हमेशा पैसे के लिए टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। लेकिन जब से मैंने कृष्ण की भक्ति की तब से मैं क्या हो गया हूं, सनाथ, कोई टेंशन। जो आदमी कृष्ण की भक्ति करता है उसको पोपा जी परपोट बोलते हैं कि भक्ति करने वाले कृष्ण मित्र बन जाते हैं, और उसको क्या जरूरत है सब देखते रहते हैं। अच्छा इसको ये जरूरत है, मैं देख के आता हूँ। इसलिए पोपा जी 18.58 का परपोट में लिखते हैं, 18.58 भगवद्गीता के श्लोक के परपोट में बोलते हैं
कि जो मेरे में मन लगाएगा मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद अतरिष्यसि, कि मेरे में चित्त लगाएगा उसके जीवन में जितने कष्ट आएंगे मैं मिटा दूंगा, मेरी कृपा सब समस्याओं से उसका समाधान हो जाएगा। तो पद बोलते हैं कि जो आदमी भक्ति करेगा, जो भी कृष्ण में मन लगाएगा पूरी तरह से, वह पर्सन इन फुल कृष्ण कॉन्शियस नॉट अनड्यूली एंशियस अबाउट एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, पर्सन इन फुल कृष्ण कॉन्शियस इज नॉट अनड्यूली एंशियस अबाउट एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज, मतलब जो आदमी कृष्ण भावना भावित रहेगा उसको बेकार का चिंता लेने का जरूरत, बेकार का चिंता मतलब समझते। एक बार सेठ जी जा रहा था गधे को खरीद के, गधे पे बैठ के जा रहा, समझ रहे, और उसमें 100 किलो का सामान लेके जा रहा। आदमी बोला गधा का शोषण हो गया, एनिमल एक्सप्लॉयटेशन। तो जब ये कौन सुना, गधा कौन सुना, गधा जैसा सेठ जी, गधा से ज्यादा बड़ा गधा गधे के ऊपर था, गधा टू द पावर गधा, गधे के ऊपर कौन इम्पावर था, इसलिए क्या हो गया गधा टू द पावर। तो गधा टू द पावर गधा जो था वो क्या सोचा, हाँ मैं गधे का शोषण कर रहा हूँ तो ठीक नहीं। तो उसने क्या किया, 100 किलो का लोड लेकर अपने सर पर रख लिया। गधे का शोषण नहीं करूंगा, गधे का शोषण कितना बढ़िया काम किया, समझ रहे, गधे का सेवा किया कि नहीं, हाँ किया कि नहीं किया, हाँ क्यों नहीं किया। तो अरे गधा के ऊपर रखो या अपने सर पे, पॉइंट तो उसी पे, समझ रहे। तो वही चीज को बोलते हैं बेकार का चिंता, समझ रहे। तो इस दुनिया में जो लोग भक्ति नहीं करते बेकार का चिंता करते, चिंता करना चाहिए जितना करते हैं उतना निभाना चाहिए, उससे ज्यादा चिंता ठीक है। बच्चा को जन्म दिया उसका पालन पोषण करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, समझाना चाहिए, उसके बाद नहीं सुने तो क्या कर सकते, उसके बाद क्यों टेंशन लेने का। अब ट्रेनिंग दीजिए, समझाइए उसको, जो कर सकते कीजिए, बट उसके बाद टेंशन क्यों। तो पर्सन हो इस कृष्णा कौन से सोचता है ठीक, जैसे अंग महाराज का बेटा था वेण, इतना बदमाश इतना क्रूर निकला वो वेण, वो बच्चों के साथ खेलने जाता था रोज सरयू नदी में, 10 बच्चा जाता था तो 5-6 ही वापिस आता था, 5-6 का डिसअपीयरेंस फेस्टिवल हो जाता पर हमारा वॉइस में वो रहेगा अगर, समझ रहे, बेन महाराज तो रोज 2-4 कम होगा, देखेंगे अरे बानी बस किधर चला गया, पता चलेगा उसको डुबा दिया। देखिए यार सत्यम सीएससी आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, टपका दिया उसको, समझ रहे। तो धीरे धीरे वॉइस पूरा क्या हो जाएगा, खाली, अगर वो आ गया वेण तो वेण बड़ा खतरनाक आदमी था। तो अंग महाराज बहुत कंप्लेन आया कि आपका बेटा एकदम क्या है, हमारा बच्चा लोग टपका देता है, राजा का बच्चा कुछ बोल नहीं सकते। तो अब इनको बुरा भी नहीं लगता, तो एकदम उसको फील भी नहीं होता था कि मार रहा है। तो अंग महाराज बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वो लड़का समझता ही नहीं था। तो उनका उम्र हो गया था तो समझे कि भाई मेरे को भगवान समझा रहे कि आई एम नॉट कंट्रोलर, मेरे से नहीं होगा, लॉर्ड वांट टू मेक मी डिटैच। वो जंगल में निकल के भजन करके भगवत था। सो पर्सन इज फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही डज हिज पार्ट, बाकी सब भगवान पे छोड़ सकते, सुना तो ठीक नहीं क्या कर सकते, समझ रहे। काफी छोटा बच्चा तो उसको कभी कभी डिसिप्लिन किया ऐसा फोर्थ, लेकिन बहुत बड़ा हो गया फिर नहीं सुन रहा है तो छोड़ देंगे। तो वो पर्सन इज फिल्ड कृष्णा कॉन्शियस नॉट अनड्यूली एंशियस अबाउट एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज, फुलिस कैनॉट अंडरस्टैंड हिज ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल एंजाइटी।
जब आदमी भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान का हाथ देखता है, मान लो उसके साथ कोई बुरा भी करे तो देखता है भगवान, ठीक है भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, उसको जाए टेंशन। तो बाकी लोग ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, उनका महामंत्र क्या होता है, क्या हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जैसे बोलने से लगता है ये मंत्र बोलने से ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया ऐसे, कैसे हो गया ऐसे, ऐसा कैसे हो गया, लगता है ऐसा बोल महामंत्र बोले सब ठीक हो जाए। मान लो एक लड़का कहीं कुछ गाली दे दिया, समझ रहे, उसको टीचर कुछ पकड़ ले तो बेचारा पूरा फ्रस्ट्रेशन, मतलब बार बार वो ये कैसे कैसे हो गया ऐसे कैसे। ठीक, अब जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट करो तुमने गलती किया, तुमने गाली दिया, बोले हाँ कोई तो फिर एक्सेप्ट करो, क्यों फिर अगले बार से मत दो, सीखो इसे कि नहीं देना अगली बार से, आगे बढ़ो। लेकिन उसी में अटक गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, गाली दिया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि हम वो गाली दिया, वो HOD कैसे कंप्लेन कर दिया, उसका रिकॉर्डिंग कैसे भेज दिया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, समझ रहे। HOD को इशू नहीं था, लेकिन दूसरा HOD उसके साथ पंगा था, दूसरा HOD उसको दे था कि आपका डिपार्टमेंट में चलो ये सब कर, तो दूसरा HOD भी पूरा अपना ईगो पे आके एकदम कुछ लीला कर रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, ही इज फीलिंग सो मच एंजाइटी, पर्सन इज कृष्णा कॉन्शियस थिंग ओके व्हाट इज हैपेंड, let me learn from it what Krishna want to teach me and go ahead. So that's why Madhyamna Acharya is saying कि जब से मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ तब से मैं क्या हो गया हूँ, सनात हो गया। उससे पहले मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, बहुत एंजाइटी था, समझ रहे। अगर कोई कृष्ण का सही से भक्ति करे तो बहुत बढ़िया नींद आएगा, समझ रहे। इसलिए हमारे भक्त लोग कहीं पर भी सुला दो, उनको बस ब्लैक मेट दिखना चाहिए, समझ रहे, तुम रेडी है सोने के लिए, समझ रहे। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा तो मतलब वो भक्ति नहीं कर रहे, समझ रहे, काहे के लिए टेंशन ले रखा है रे भाई, कुछ टेंशन भगवान में भी छोड़ दो भाई, समझ रहे। पूरा गधा की तरह 100 किलो का लोड अपने सर पे क्यों ले रखा, मुर्ग जैसा पार। बट इसका ये मतलब ड्यूटी दिन भर सोता रहता है, जल्दी इसका नींद पूरा भी हो जाए, समझ रहे। वो भी वो तो लेजी है, जो सो नहीं पाता वो तो क्रेजी है, और जो ज्यादा सोता है वो लेजी। भक्त जस्ट स्लीप 6 आवर नॉट मोर देन दैट, 6 घंटा ज्यादा सोना भी क्या है। पापा जी बोलते हैं सर्टेनली इन्फ्लुएंस बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस, पर्सन हु स्लीप्स मोर देन 6 आवर सर्टेनली इन्फ्लुएंस बाय मोड ऑफ, मनुष्य जीवन 5-6 घंटा बहुत होता है सोना, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, हैबिट बनाया चाहिए धीरे धीरे कम करने का, ऐसा नहीं दिए 7-8, 10-10 घंटे सो रहा है। हमारे गोस्वामी तो 2-2 घंटे ही सोते, पापा जी भी 2 ही घंटा सोते, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और हैबिट करा बुको है, 10 घंटा सोता है तो 9.5 घंटा सोने का प्रयास करना। पहले मैं 6 घंटा सोता था, 6.5 घंटा, फिर धीरे धीरे मैंने अभ्यास करते करते 4-5 साल में 6 घंटा किया, फिर और 4-5 साल में 5.5 घंटा किया, फिर और 4-5 साल में 5 घंटा किया। अब धीरे धीरे और प्रयास करें कि थोड़ा और कम हो जाए, तब वो टाइम बचता है, समझ रहे। अब 4 घंटा में आपका नींद पूरा हो जाए, 4.5 घंटे में, तब को कितना टाइम है सेवा के। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य जीवन में। तो यमुनाचार्य बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि भगवान जब से आपकी भक्ति कर रहा हूं मेरा पूरा, सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट यू गेट ऑफ भक्ति। इफ यू चैंट वेरी प्योरली हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे तो प्रशांत एकांत बोलते हैं
कि भगवान जब से आपने मन लगाया मेरा मन प्रशांत, मेरे को पता है कि आप है मेरे साथ. सो बाय चैंटिंग वेरी अटेंटिवली, बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, वी विल गेट दिस फेथ कृष्णा इज देयर विद मी. कृष्णा विल नॉट ओनली बी अ मूर्ति, यू विल फील कृष्णा है मेरे लिए है. कहीं पर भी जाओगे आप अकेला फील नहीं करो, आपको लगे कोई है मेरे साथ, गार्जियन है मेरा, मेरा आदमी मतलब मेरे हैं, मेरे लिए चिंतित. कृष्णा क्या करेंगे ऐसे भक्त के लिए? फॉर वन हू एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लॉर्ड कृष्णा बिकम द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते, उसकी मदद करते. ही ऑलवेज लुक्स आफ्टर हिज फ्रेंड्स कंफर्ट एंड ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड हु इज सो डिवोटेडली एंगेज वर्किंग 24 आवर्स अ डे टू प्लीज द लॉर्ड. तो जो आदमी कृष्ण भगवान को प्लीज करने के लिए जीता है, देखेगा भगवान हर कदम कदम में उसका मदद करें. कभी कभी एक बार मेरे को याद में पढ़ ही नहीं पाया, इतना बिजी था प्रीचिंग करने में अपने कॉलेज में, एक बार कुछ भी नहीं पढ़ पाया. कुछ बच्चा बोला मर जाएंगे, हो गया वो हॉस्टल गए, बहुत प्रॉब्लम आई, रात को आते आते बहुत लेट हो गया, फिर पढ़ नहीं पाया. लेकिन जब मैं एग्जाम में गया था, मैं जो दो चार तो क्वेश्चन देखा था वही सब आ गया एज इट, समझ रहे, हमको फुल मार्क्स आ गया, समझ रहे. और जो लोग पूरा पढ़ल पढ़ल के समझ रहे, चार महीने रगड़ा को कुछ नहीं, समझ रहे. और जो हम जो क्वेश्चन देखे गए, मतलब मेरा एक फ्रेंड बोला था ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लो, उसका आंसर भी भेज दिया था वो, और मैं सब देख लिया, वही आ गया जी, हम पूरा एकदम पढ़ गया. सो कृष्णा इज वेरी मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, समझ रहे, ही टेक्स केयर. आप भूल जाओगे अपना केयर लेने के लिए, वो आपका केयर. कभी कभी प्रीचिंग करते समय खाना खाना भूल जाते, इतना बिजी हो जाते प्रचार करने प्रोग्राम, तो उतना प्रसाद का देखते नहीं. प्रोग्राम हो जाए तो ठीक है, बाद में प्रसाद ले. तो एक बार मॉर्निंग में भी मैं क्लास देते समय फिर प्रसाद लेने समय नहीं मिला, फिर दोपहर को एक प्रोग्राम था, तो फिर उसका शाम को भी एक प्रोग्राम था, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं पाया, और फिर लंच भी. प्रोग्राम मेरा हमेशा लेट ही चलता है, तो जितना भी सोचते उसके लेट हो ही जाता है. तो अब मैं उसका लंच भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट डिनर ही लेंगे, भूख लग गया था. तो मैं राजापुर जगन्नाथ में भक्ति प्रेम महाराज के साथ एक स्टूडेंट का अनप्रसन्न कर रहे थे, तो फिर मैं निकलने वाला था. महाराज बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं धनबाद जा रहा हूँ, आज प्रोग्राम है शाम को. तो बोले प्रसाद, महाराज अब वहीं पर ले लेंगे, लेट हो रहे. तो फिर उसके बाद महाराज खुद बुला लिए कि नहीं तुम इधर मेरे साथ प्रसाद ले लो, और पूरा 56 वो खाने मिला, क्या मिला ना, समझे. तो हम तो सोचे नहीं खाएंगे, बट लॉर्ड कृष्णा अरे नाइस. तो जो भी है पॉइंट है कि कृष्णा ख्याल रखते. यमुनाचार्य बता रहे हैं कि भक्ति जो करेगा, इसलिए सबसे बड़ा खजाना क्या है, कृष्ण है दुनिया में. और व्हाट विल बी द बेनिफिट यू विल गेट बाय कृष्ण भक्ति, यू विल बिकम प्रशांत आत्मा, सब टेंशन से मुक्त हो जाओगे, अभय मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? अभय एंड अशोक. ये उसके लिए जेन्युइन भक्ति करना पड़ेगा, समझ रहे, चीटिंग भक्ति नहीं, जेन्युइन भक्ति. व्हेन आई चैंट हरे कृष्णा, आई चैंट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, बस आपको खुश करना, आपको अच्छा लगता है मैं जप करूं. और दूसरा एक श्लोक में वो बोलते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो नम नम रस. तो बता रहे हैं कि जब से कृष्ण आपके, मैं आपकी सेवा करने लगा हूँ, आपके लिए फूल बनाने लगा हूँ, माला बनाने लगा हूँ, डिटी वर्शिप करने लगा हूँ, जब से मैं आपके झाड़ू देने लगा हूँ मंदिर में, आपकी सेवा करने लगा हूँ, कुकिंग करता हूँ आपके, जब से मैं सेवाओं में लगा हूँ, मेरे को नए नए रस आ रहे. क्या आ रहे हैं? अंदर से नए नए रस का. जैसे कोई आदमी को भी मैंगो जूस पीता तो कैसा लगता है, और अगले दिन मान लीजिए वो चीकू का जूस पिए, समझ रहे, और मान लीजिए अनार का जूस पिए, समझ रहे, तो कस्टर्ड का जूस पी, मत समझ रहे, तो अलग अलग उसको क्या लगेगा ना, केसर वाला दूध पी एकदम, समझ रहे, एकदम मिल्क से ये वो एकदम, समझ रहे. तो क्या उसको बोलते नव नव रस मिलेगा, क्या मिलेगा, आ नया नया स्वीट खा रहा है, शाही टुकड़ा,
समझ रहे हैं, और क्या बोलते हैं बटर हलवा, गुलाब जामुन, समझ रहे हैं अलग अलग आइटम, एकदम नव नव रस क्या मिल रहा है। तो बोले भगवान आपका भक्ति करने में मेरे को नए नए रस मिले। इफ यू रियली चैंट नाइसली, इफ यू रियली रीड भागवत, सुबह सुबह में पढ़ रहा था भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन बनाया था, तो इतना अच्छा लग रहा था, कैसे 3 घंटा पार हो गया पता नहीं, समझ रहे 120 to 430, मतलब सो नेक्टेरियन, तो बात बुक्स आर सो नेक्टेरियन, मतलब इतना सुंदर एक एक स्टेटमेंट लग रहा है। पापा सेइंग कि पर्सन हु डिडंट इंक्वायर दैट आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, हिज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हैज नॉट बिगन। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, पापा बोलते हैं एवरीबॉडी, इफ सपोज समबडी थिंक्स दैट इफ यू आर नॉट कंट्रोल्ड ही इज इनसे, कोई सोच रहा है कि हम लोग, कोई सोचता हम कंट्रोलर हैं या हम लोग कंट्रोल्ड नहीं है तो हम लोग क्या है, वो अगर सोचता है मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो क्या है वो पागल। एक बार अचानक एक बार पॉइंट बताए थे कि देखिए कितना कंट्रोल में लो, हम लोग चाहते हैं नहीं सोए, लेकिन कितना उस दिन हम लोग सोचे थे एक आदसी को थोड़े दिन पहले कि रात्रि जागरण करें, बट 12 बजे तो ऐसा नींद आने लगा, समझ रहे कि हम लोग बोले बस हो गया 12 बजे बहुत हो गया, समझ रहे। सोचे थे एक आज एकादशी है, हाँ आज क्या बोलते हैं नरहरि सरकार ठाकुर का डिसअपीयरेंस है, हाँ हमारे आचार्यों ने सामान पंडित लोगों ने फेस्टिवल जब किया था श्रीनिवास आचार्य ने, तो उन्होंने रात भर जागरण किया था, तो हम भी करें, लेकिन 12 बजे आते आते मेरा भी फूस हो गया, थक गए भाई, सुनी ना रहा है भाई, समझ रहे, तो फिर घुलट गए जाके हम और नहीं। तो हम लोग अपना नींद भी हमारा कंट्रोल में नहीं, आप सोचेंगे जाग जाए तो आप जाग नहीं सकते, और कुछ लोग सो जाए तो सो नहीं सकते कि वो हम सोते नींद दे दिया, समझ रहे, और कुछ लोग जागना चाहते हैं जाग नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति था सोचा खूब, उसको सोने में बहुत मजा आता था, उसको मन करा दिन भर सोते रहे, दिन रात क्या करे सोए 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 बाह सो जाओ, समझ रहे। तो मेरे को एक बार अचानक एक पॉइंट बताया था लेक्चर, बहुत अच्छा लगा कि जो आदमी खूब सोना चाहता है उसको बोले तुम सोते रहो, हिलेगा नहीं बेड से, तुम निकल नहीं सकता है बेड से, सोते ही रहो, तुम हिलेगा नहीं यहाँ से, मतलब समझे, तुमको सोते रहना है, सोते रहना और सोते ही रहना। कितना देर सो पाए हो? 12 घंटा तो ही थोड़ा सा उठ जाते ना, सोते 24 घंटा, अरे प्रभु निकल ले दो, नहीं 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 36 घंटा हमको निकलने तो, अरे समझ रहे 24 घंटे समझ रहे, नहीं नहीं तुम ही रहना, अगर 5 दिन किसी को सुला दिया जाए, हिलने नहीं दिया जाए, वो पगला जाएगा, हट बेड फाड़ के जमीन चीर के निकल जाएगा, थोड़ा गड्ढा खोद देगा हम निकल जाए, तो नहीं सुना है कोई दम वाला कि 5 दिन से ज्यादा सोते रहे रात दिन दम, समझ रहे। हम लोग सो भी नहीं सकते सही से और जाग भी नहीं सकते, तो क्या कंट्रोल? अपना बॉडी का तो कंट्रोल है नहीं, सो भी नहीं सकते और तुम्हें सो पढ़ता अच्छा लगा। सो व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, व्हेन यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू विल गेट डीप रसा, नव नव रस। बोलते यत अवधि मत चेत चेत कृष्ण पदारविंद, और मेरे को जब वो स्मरण आता है कि मैं कैसे वुमेन के साथ एंजॉय करता था, तो मेरे को थूक लाता उस पर कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन क्या है, घटिया चीज के पीछे ऊपर आओ, स्त्री संगम, मैं स्त्री संगम का जब याद करता हूँ तो मुझे थूक आता है कि छी छी छी, मैं भगवान का सेवा छोड़ के वो सब चीजें फंस गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यमुनाचार्य क्या बन गए भक्त, तो उसे एक दो लेसन सीख सकते हैं, क्या उन्होंने फिर से गीता का जब श्लोक सुना साधु संघ किया तो फिर से क्या बन गए। तो इसलिए जो भी भक्त है उनको दूसरों को हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस बांटना चाहिए। कोई आदमी हो सकता है कृष्णा को छोड़ के चला भी जाए, नहीं फिर उसको जब बताएंगे आप 1 साल बाद 2 साल बाद, फिर उसका भक्ति जम सकता है जागृत,
अब प्रसाद खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए? वो क्या भेजते थे उनको? साथ दे के आते थे, और साथ थोड़ा गुडनेस में था। तो जो आदमी सतोगुण में खाएगा ना, तो उसका भी क्या होगा, मन थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा। या प्रसाद भी खाएगा तो बहुत लोग प्रसाद खा खा के भक्त बने, केवल प्रसाद खा खा के वो लोग। तो हमेशा भक्तों को थोड़ा प्रसाद अपने साथ रखना चाहिए, कोई मिले थोड़ा उसको, समझ रहे? प्रसाद का बहुत पावर है। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।